शिवाय, आज हम बात करते हैं कि IUI क्या होता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि IUI क्या होता है, IUI बहुत पेनफुल तो नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर तो नहीं होता है, या बहुत खर्चीला तो नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि IUI जो है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम नेचुरल साइकिल IUI भी कर सकते हैं, या कुछ पेशेंट में जिसमें कि एग नहीं बन पा रहा है या ओवुलेशन नहीं होता है, उसमें हम एग बनाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। कुछ पेशेंट को कुछ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, और रेगुलर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके जब फॉलिकल राइप हो जाता है तब हम ट्रिगर के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, और ट्रिगर के इंजेक्शन के 36 से 40 आवर्स के बीच में हम IUI करते हैं। 36 आवर्स के बाद में हम पेशेंट को बुलाते हैं, स्कैन करते हैं, और उस समय हस्बैंड का जो सैंपल है वो कलेक्ट करवा के और उसको प्रॉपर सीमेन वॉश करके उसमें से जो एक्टिव अच्छे स्पर्म मोटाइल स्पर्म रहते हैं उनको सेपरेट करके ऐसा एक कैनुला रहता है जिसको कि हम IUI कैनुला कहते हैं, इसमें लोड करते हैं शरीर से। और इसको ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर ऐसा धीरे से कैनुला को इंसर्ट करके यहाँ ले जाके और सैंपल को अंदर रिलीज कर देते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, और आधे एक घंटे के बाद में जो है पेशेंट वापस घर जा सकती है और अपने काम में भी वापस जा सकती है। इसके बाद में उसको प्रेगनेंसी को डेवलपमेंट हो प्रॉपर सपोर्ट मिले इसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, और 15 डेज के बाद में हम बुलाकर पेशेंट का चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट में भी पता चल जाता है, अदरवाइज बीटा HCG करके देख लेते हैं, और फिर गुड न्यूज़ मिल जाती है उनको। तो अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो एक बार ज़रूर संपर्क करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।